अमरपाटन के रामनगर में सिंघराहा समाज के 200 से ज्यादा किसान परिवार प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। सिंघाड़े की खेती करने वाले इन किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मामला अमरपाटन के रामनगर ब्लॉक के ग्राम नादो का है, जहां सिंघराहा समाज के 200 से ज्यादा परिवारों की आर्थिक स्थिति प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो चुकी है। किसानों ने बताया कि कर्ज लेकर सभी लोग तालाब में सिंघाड़े की फसल लगाते हैं, मगर बारिश के मौसम में तालाब में लगी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। इलाके में 200 परिवार इसी खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन फसल खराब हो जाने के कारण पूरा समाज कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके चलते किसान परिवारों ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। सब लोग सिंघाड़े की फसल लगाते हैं और देख रहे हैं कि इस सिंघाड़े की फसल में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, तो हम शासन प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि उचित मुआवजा दिलाया जाए या कि आके इसकी जांच कराई जाए, जहां से भी जिस भी तरह से इसका रोग निदान हो सके कि हमारे सिंघाड़े की जांच कराई जाए और इस सिंघाड़े में जो रोग लगा हुआ है उसका निदान कराया जाए और निरीक्षण कराकर हमारे पूरे सिंघराहा समाज को, सतना जिला हो या मैहर जिला, वो इस रोग से सिंघाड़े से प्रताड़ित है, उसकी जांच कराई जाए और शीघ्र अतिशीघ्र सिंघाड़े फसल की मुआवजे दिलाया जाए। मैं यही निवेदन करता हूं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हम गरीब असहाय व्यक्तियों की पीड़ा को समझें और जानें और यथाशीघ्र मुआवजे की राशि के लिए आदेशित करें अधिकारियों को। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।